अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान ऐं प्रोग्राम आहे टॉक शो विद तुलसी कुमार सिजवानी। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हर बार मुलाक़ात थींदी आहे पंहिंजी ऐं हर बार हिकिड़ो नयो चहिरो, हिकिड़ो नयो महिमान तव्हांजे सामने असां खणी अचूं था। हिन बार पंहिंजे सामने हिकिड़ो मौज़िस महिमान आहे जंहिंजो नालो आहे सर अशोक कुमार सिजवानी। छो त सर अशोक कुमार सिजवानी किन तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे। इन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी ऑर्गनाइज़ेशन आहे दी इनोवेटर्स जे नाम से, ऐं इहो CEO आहिनि। साथ ही साथ सर अशोक कुमार सिजवानी जो एक्सपीरियंस, जो कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, वो 25 साल आहे। इन्हनि जे अलावा वो टीचिंग एक्सपीरियंस भी पंहिंजे साथ 27-28 सालनि जो रखियनि था। त तव्हांजी मुलाक़ात थींदी सर अशोक कुमार सिजवानी खां। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा सर, पहला सवाल मुझे आपसे बेसिकली ये पूछना है कि आपको ट्रेनिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी, मैं VIP स्टेट में जॉब करता था और आज से कई साल पहले, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आज से मैं 25-26 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मुझे आज भी वो दिन याद है, 27 जुलाई 1996, जब एक वर्कशॉप हो रहा था, लाइफ स्किल्स वर्कशॉप। उन दिनों में ये ट्रेनिंग्स और ये वर्कशॉप्स बड़े यूनिक हुआ करते थे, बहुत ही कम लोगों को पता था। तो उस वक्त जो ट्रेनिंग फैसिलिटेटर थे सर कामरान रजी, वो बेसिकली सेशन चला रहे थे और मुझे बेसिकली मेरे ऑफिस की तरफ से भेजा गया था कि आप जाएँ और ये अटेंड करें सेशन। और उस दिन से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, जब मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी इस तरह से कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ लोगों की ज़िंदगियों में चेंज ला सकता हूँ और अपनी भी साथ ही साथ। तो वो दिन था, वो बेसिकली मेरा जो टर्निंग पॉइंट या मेरा लाइफ चेंजिंग जो दिन था वो था वही 27 जुलाई 1996। अभी तक आपने कितनी ट्रेनिंग्स करवा ली हैं? मेरी सबसे लास्ट जो ट्रेनिंग थी, अभी मैं 3-4 दिनों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, दैट वाज 358। मैंने 358 जो है सेशंस किए हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस हैं, फैसिलिटेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं और कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर बेसिकली मैंने जाके ट्रेनिंग दी हैं। तो जो मेरे जो मतलब जो आप यूँ कहें कि अटेंडेंट हैं, वो बेसिकली उसमें हर तबका है, हर एज है, यानी कि मैं टीनेजर से लेके और अराउंड एज 50-60 तक को मैंने ट्रेन किया हुआ। सर सुना है आप माशाल्लाह से ऑथर भी हैं और आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि वो आपने बेसिकली कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और उनका बेसिकली जो टॉपिक्स था या मौजू था वो बेसिकली किस चीज़ पर था? तुलसी, मैंने 6 किताबें लिखी हैं अब तक। वैसे तो मैंने तकरीबन कोई 8-10 लिखी हैं, लेकिन ये जो 6 वो हैं जो जिसका टॉपिक जो है, जो मौजू है, वो मेरी ट्रेनिंग्स पे बेस कर रहा है, जो सेल्फ हेल्प पे हैं, यानी कि हमारी लाइफ को बेहतर किस तरह बनाया जाए और हमारी शख्सियत को किस तरह बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह की जो मौजूद होते हैं जिसे सेल्फ हेल्प कहते हैं, उस पर मैंने 6 किताबें लिखी हैं। सबसे पहली किताब थी पाथ टू सक्सेस, उसके बाद मैंने पुरकशिश शख्सियत लिखी, उसके बाद जो मेरी तीसरी जो किताब थी वो 100 कमांड्समेंट फॉर पर्सनल एक्सेलेंस पे लिखी। फिर मेरी कोटेशन अक्सर सोच आती है, कभी रास्ते में बैठा हूँ, कभी कुछ सोच रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, वो उन एक्सपीरियंस को लेके मैंने बेसिकली छोटी छोटी कोट्स लिखी हैं। तो उसके नाम से बेसिकली अक्स के नाम से एक छोटा सा बुकलेट बनाया है मैंने, वो चला और काफ़ी मैंने जो लोगों को मैंने वो गिफ्ट किए थे। और इसके बाद जो है मैंने इसके बाद जो लिखी वो थी गौरे नायाब। गौरे नायाब के बाद जो अभी जो लास्ट ईयर जो है कोविड चूँकि शुरू हुआ था, तो लोग बेचारे घर पे बैठे हुए थे, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, मुझ जैसा इंसान कुछ ना कुछ लिख रहा था। तो इस कोविड के अंदर मैंने जो अपनी लास्ट किताब लिखी थी वो बेसिकली ज़ोके परवाज के नाम से है, वो मैंने लिखी है। तो ये टोटल मेरी 6 किताबें हैं और जो शख्सियत साजी पे है और अपने आप को बेहतर किस तरह बनाए जाते हैं, ये मेरे टॉपिक्स हैं।
काम किए हैं, तो वो बेसिकली क्या क्या काम रहे जो आपने अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज दी हैं? देखिए तुलसी, मैंने सबसे पहले जो है, चूँकि मैं एक स्टूडेंट रहा, तो मैंने सबसे पहले उन बच्चों को जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको पढ़ाना शुरू किया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी कम्युनिटी में जो है वो बेसिकली फ्री कोचिंग सेंटर्स होते थे, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर आराम आराम से जो है बहुत सारे ऐसे काम थे कि कुछ न्यूज़लेटर लिखने थे, तो उसमें भी मैंने शमूलियत इख्तियार की। कभी जो है कुछ काम ऐसे हुए कि जो अपना गरीबों की जो बच्चियां हैं, उनकी शादियां हैं, तो उनका भी मैं पार्ट बना। ट्रेनिंग्स भी चलती रहीं कम्युनिटी लेवल पे, और कभी देखें तो कोई बेसिकली जो है वेलफेयर के कोई ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिसके अंदर जो है आपके मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, तो उनका भी मतलब साथ चलता रहा। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने उसको अपने साथ ही जोड़े रखी। सैलाब ज़दगान का कोई मामला है तो वहाँ पर भी मैं उनके साथ ही रहा। अगला सवाल बेसिकली ये है कि आप लोगों को तो मोटिवेट करते हैं, आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? तुलसी, वेरी सिंपल, हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आज के दौर में, बल्कि हर दौर में रही है। तो मैं भी हूँ, कहीं मैं भी बेसिकली हिम्मत हार जाता हूँ, कहीं मैं भी इंसान हूँ, आम इंसान। मुझे भी बाज़ औक़ात है ना, कहीं डिस्करेजमेंट होती है, कहीं मैं भी थका हुआ होता हूँ, कहीं मैं भी ये सोचता हूँ कि यार कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो मैं उन जब लोगों को देखता हूँ जो बहुत कम रिसोर्सेज में खुश हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो अपने बेटर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वो घुटने भी नहीं टेक रहे हैं और वो लड़े जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोगों को सुनना, ऐसे लोगों को से मिल के बेसिकली मैं मोटिवेशन लेता हूँ। और मुझ में और जो है पहले से ज़्यादा जो मोटिवेशन आ जाती है कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और फिर मैं वही जो है इंस्पिरेशन, वही सारी चीज़ें ले जाके बेसिकली मैं ना पुश करता हूँ कि यार मैं भी उनमें से हूँ जिनमें से आप हो, और देखो वो कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द वे बेसिकली इट। आखिरी सवाल, हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा मैसेज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ये होगा कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस मुल्क को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की गई है, बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी जिद्दोजहद, बहुत मुश्किलात से ये मुल्क बना है, और जब बना है तो उसको संभालना भी हमारा काम है। तो हमारा जो मुद्दा ये है, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जो है आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आला तालीम हासिल करने के बाद इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं। हमें अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफ, अच्छा फ्यूचर चाहिए होता, लेकिन हम ये सब कुछ अपने लिए हैं। मुझे चाहिए अच्छा घर, मुझे चाहिए अच्छी लाइफ, मुझे चाहिए अच्छी जॉब, लेकिन कभी भी मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं इस अच्छी के लिए सिर्फ खुद के लिए क्यों सोचता हूँ, मैं दूसरों के लिए क्यों नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि दूसरे की भी अच्छी ज़िंदगी हो, दूसरे को भी अच्छी जॉब मिले, दूसरे को भी अच्छा बेसिकली घर मैसर हो। तो उसके लिए हमें अपना कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं अक्सर एक बात बार बार कहता हूँ कि जो हम सीख चुके हैं वो हम दूसरों को सिखाएं, जो हमारे पास है हम दूसरों से शेयर करें। देखें, याद रखें, अगर एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो रोशनी कम नहीं होती, उससे रोशनी बढ़ती है। इसी तरह इल्म बांटें, प्यार बांटें, खुशियां बांटें, अपने तजुर्बात बांटें, तब जाके ये मुल्क बहुत अच्छा बन जाएगा। बस यही मैसेज है मेरा बच्चों के लिए। मोकलाणी जो तव्हांजी मेज़बान तुलसी कुमार सिजवानी खे वरी मिलंदासीं हिकु नए मेहमान सां गॾु। तेसि ताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।